हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आज हम लोग 7 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ओनली 20 मिनट, 20 मिनट में 7 टॉपिक कवर हो जाएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा टॉपिक बनाया जाए बेसिक के बारे में। बहुत ऐसे बच्चे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार में, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारिक, इसमें कन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तत्वों का तो आप लोग नाम सुना ही होगा, एलिमेंट। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 117। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, आइए समझते हैं। कोई भी तत्व हो गया, मान लीजिए कोई तत्व है एक्स या ए या बी। ठीक है, कोई भी तत्व मैंने माना है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ भी लिखा होगा, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, आप लोग को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए परमाणु का। मेरा एक छोटा सा वीडियो है, अगर आपको परमाणु के बारे में नहीं मालूम है। परमाणु क्या होता है, एक सूक्ष्म गोलाकार भाग होता है, सूक्ष्म गोलाकार भाग होता है। ठीक है, परमाणु जिसके केंद्र में नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखते हैं। ठीक है, इतना तो मालूम होगा, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का मैं परिभाषा बता रहा हूँ। किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा लिख लीजिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, जगह का प्रॉब्लम है। तो परिभाषा आप लोग ये लिख लीजिएगा कि किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 23। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, परमाणु भार 23। तो मैंने क्या परिभाषा बोला है, कुल प्रोटॉनों की संख्या। मैं आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो प्रोटॉनों की संख्या होता है ना वही परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, तो जो जेड होता वो पी के बराबर होता है, पी क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ये कॉपी में तुरंत नोट कीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे कीजिए। ठीक है, मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको तुरंत साइड में नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, किसी भी कोई भी तत्व है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं भाई साहब परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको बोलते हैं परमाणु भार, परमाणु भार मतलब मास नंबर। ठीक, परमाणु भार बोल लीजिए या द्रव्यमान संख्या, अभी मैं सेकेंड टॉपिक है वो मैं अभी बताऊंगा, बस इसको समझिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो यार एक मिनट, तो 11 क्या है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11, जेड इक्वल टू 11, ई इक्वल टू 11। ठीक है, ये होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब समझते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा क्या है, मास नंबर, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इसका परिभाषा भाई साहब ये है कि किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, द्रव्यमान संख्या। आइए समझते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। ए का एक फॉर्मूला होता है पी प्लस एन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों का जो योग होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉपी पर नोट डाउन, ठीक है। अब देखिए कोई भी तत्व हो गया, जैसे मैंने सोडियम लिया था, सोडियम का 11 23 होता है, और किसी का भी लीजिए, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, आर्गन 18 40, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या आपसे कोई पूछे तो 12, ठीक है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14, आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने एकदम बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में मैंने डाला था, फर्स्ट वीडियो मेरा वही था कि केमिस्ट्री को बेसिक क्या होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि कम से कम 30 तत्व तो आपको याद होना चाहिए, और कुछ कंपाउंड के नाम भी बताए थे, ठीक है। तो वही है बेसिक, ठीक है। तो देखिए, तो ये मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान संख्या कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों का जो योग होगा वो होगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अब समझिए ए यहाँ पे कितना है, 23, पी कितना है, 11, ठीक है। ए हो गया यहाँ पे 23, पी हो गया 11, एन ऐसे ही है, ठीक है। तो आप तो न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, 23 में से 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। यहाँ से इस फॉर्मूले में रखा जाए तो सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। ऐसे ही कार्बन में अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 12 में से 6 घट जाएगा तो 6, तो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या 6। ऐसे ही नाइट्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 7, 14 में से 7 घट जाएगा तो 7। आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 40 में से 18 घटेगा तो 22, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, 22, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, उसका द्रव्यमान संख्या होगा। एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम भी होगा। अगर मान लीजिए कुल प्रोटॉनों की संख्या दिया है, ठीक है, तथा और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है, यानी द्रव्यमान संख्या आपको दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 11 नहीं दिया, इस सोडियम का ही ले लेते हैं, द्रव्यमान संख्या आपको दे दिया है 23, ठीक है, ये नहीं दिया है, और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे दिया है 12, ठीक है। तो आप परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, पी इजकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, पी इजकल टू ए माइनस एन, ठीक है। तो एक और फार्मूला, बस आपको इसी यही फार्मूला याद करना है, इस फार्मूले से ये फार्मूला बन जाएगा। अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछेगा तो इससे निकल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा यहाँ से तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, ठीक है। तीन फार्मूला हो गया। ये बात ध्यान रखिए, कहीं क्वेश्चन में पी के जगह पे जेड होगा, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या इजकल टू जेड, जेड मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे आइसोटोप्स, ये दो खत्म। एकदम बेसिक बता रहा है, इससे बेसिक आपको कहीं नहीं मिले, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक भाई साहब ये होता है कि एक ही तत्व, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल से, ऊपर समझा रहे हैं।
ये क्या बोला है समस्थानिक, एक ही तत्व का, मान लीजिए कोई तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बोला है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक क्या होता है नीचे वाला, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप लोग को पता है एक होता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है एक होता है, ठीक है, तो जिनका परमाणु क्रमांक समान हो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, वो क्या होता है समस्थानिक। तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन जो तत्व है तीन समस्थानिक होते हैं आइसोटोप्स। आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो तीन समस्थानिक होते हैं, एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, एक 1H3 होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, ये हो गया ट्राइटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया प्रोटियम, ठीक है। आपने क्या देखा समस्थानिक में, आइसोटोप में जिनके परमाणु क्रमांक समान है द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, ये किसका था समस्थानिक का। अब हम लोग आते हैं संभारिक का, आइसोबार, देखिए इसको बोलते हैं संभारिक, संभारिक, ठीक। अब संभारिक क्या होता है, जस्ट समस्थानिक का उल्टा, ठीक है, समस्थानिक में क्या था कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका कहने का मतलब यह है संभारिक का कि वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, संभारिक, भार, भार मतलब आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है सोडियम है, 23 है, ये क्या है भार, ठीक है, ये क्या है परमाणु क्रमांक, ठीक है। संभारिक ये बोलता है कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं संभारिक, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, आर्गन कैल्शियम, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार इसका होता है 40, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। देखिए द्रव्यमान संख्या समान है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो जाएंगे संभारिक, ठीक है। एक और होता है, देखिए कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, ठीक है, समस्थानिक इसके पहले मैं बताया था आपको समस्थानिक क्या होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, तो कार्बन का एक परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है, एक होता है 12, एक कार्बन का होता है 6, एक होता है 14, ठीक है। तो कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, तो ऐसे ही कार्बन के दो समस्थानिक, एक कार्बन 12, 6 12, एक कार्बन 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये था समस्थानिक का, तो समस्थानिक का हम लोग को तो पढ़ना नहीं है, हम लोग क्या पढ़ना है संभारिक। अब देखिए कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, ठीक है, 6 14 7 14, संभारिक क्या हो गया परमाणु भार एटमिक मास, संभारिक में क्या हो गया एटमिक मास सेम रहेगा, एटमिक नंबर भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका संभारिक। संभारिक के दो एग्जांपल आप लोग नोट कीजिए। अब आते हैं आइसोटोन, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, वे तत्व जिनमें, मान लीजिए कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व एक्स है चाहे सोडियम ही मान लीजिए, ठीक है, तो वे तत्व जिनके परमाणु नाभिक में उपस्थित, ये परमाणु का नाभिक है कि नहीं, मैंने अभी बताया ये परमाणु है, इसका नाभिक में क्या क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है।
तो सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही देखिए, कोई भी टॉपिक होता है ना, नाम से कुछ रिलेट किया जाता है। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ठीक है। वे तत्व या परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ परिभाषा, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, वीडियो लंबा होगा, इससे अच्छा है कि मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख दीजिए। वे तत्व या परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, जिसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है 15, ठीक है, परमाणु भार 31, ठीक है, फास्फोरस का 15 31, सल्फर का कितना होता है 16, परमाणु भार 32। ये मैंने दो तत्व लिए हैं, एक फास्फोरस एक सल्फर, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या चेक करेंगे कि क्या ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं, आइसोटोन्स हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इजकल टू पी प्लस एन, ठीक है, ए कितना दिया है 31, पी कितना दिया है 15, एन हमको निकालना है, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ से इसमें देखिए ए इजकल टू पी प्लस एन, ए दिया है 32, पी दिया है 16, एन हमको निकालना है, तो एन इजकल टू 16। न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों जगह समान है, ये दोनों क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक का, ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन का होता है 6, 14, ठीक है, ये कार्बन का दो समस्थानिक मैंने आपको बताया था, एक 6, 12 का, एक 6, 14 का, ठीक है। ऑक्सीजन का आप लोग को पता है कि 8, 16, ठीक है। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। इसके लिए ए इजकल टू पी प्लस एन, ए दिया है 14, पी दिया है 6, एन निकालना है, तो एन इजकल टू 8। ए इजकल टू पी प्लस एन, ए दिया है 16, पी दिया है 8, एन निकालना है, तो एन इजकल टू 8। कहने का मतलब ये दोनों तत्व भी सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, खत्म। अब आते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक। नोट डाउन करते रहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को भाई साहब हिंदी में बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होते थे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, सी माइनस फोर, एन माइनस थ्री, ओ माइनस टू, एफ माइनस वन, ठीक है, एन ए प्लस, ठीक है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये सोडियम, ठीक है। आप लोग को छोटा सा बेसिक ये मालूम होना चाहिए, ये सब क्या है, माइनस फोर, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, प्लस एक, ये सब क्या है, ये सब आयन है, ठीक है। आयन कितने होते हैं, दो, एक प्लस होते हैं, एक माइनस होते हैं। जो माइनस होते हैं वो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों से जुड़ जाते हैं, जो प्लस होते हैं वो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों से घट जाते हैं, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक आप लोगों को मालूम होना चाहिए 6 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, सोडियम का होता है 11, ठीक है। तो जो माइनस वाले होंगे वो जुट जाएंगे, जो प्लस वाले होंगे वो घट जाएंगे, ठीक। अब 6 + 4 = 10, 6 और मैंने क्या बोला, माइनस वाले जुट जाएंगे, तो 6 + 4 = 10, 7 + 3 = 10, 8 + 2 = 10, 9 + 1 = 10, 11 + 1 = 1 घटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में, प्लस वाला घटेगा, माइनस वाला जुटेगा, ठीक है, तो ये भी 10, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, तत्व तो अलग अलग थे, एलिमेंट अलग अलग थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला हमारा बचा है सम विन्यासी, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं सम विन्यासी। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक का बहुत एग्जांपल हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे Na+ था,
Mg2+ था, Al3+ था, तो ये क्या होंगे? जैसे सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, तो 11 में से एक घटेगा तो 10, 12 में से दो घटेगा तो 10, 13 में से तीन घटेगा तो 10, ये भी क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वीडियो छोटा बनाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम बर्बाद होगा। एक टॉपिक का मान ली, यही पढ़ाने के लिए दूसरा कोई वीडियो देखेगा तो एक घंटे से कम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितना कम से कम आप लोग के टाइम में हो जाए। ठीक है, लास्ट वाला क्या हो गया? आइसोटियर्स, सम विन्यासी। ठीक है, सम विन्यासी, देखिए सम विन्यासी का आपको हमको लग रहा है कि यूट्यूब पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सम विन्यासी वे होते हैं, पहले परिभाषा समझ लीजिए, वे तत्व या यौगिक जिनमें परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या समान होती है। ठीक है, सम विन्यासी में क्या होंगे? परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगा? समान। ठीक, एग्जांपल समझते हैं। CO2 क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, N2O। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, तो अब इन दोनों को देखते हैं कि ये सम विन्यासी हैं कि नहीं। ठीक है, मैंने परिभाषा क्या बोला? जिनमें परमाणु के इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ठीक है, परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या होगा? सम विन्यासी। ठीक है, इसमें कितने परमाणु हैं? ठीक, कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन का एक ही परमाणु है ना यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? दो, तो एक और दो कितने परमाणु हो गए? तीन, तीन परमाणु भाई साहब यहाँ हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो, यहाँ दो साफ दिख रहा है यार, दो, ऑक्सीजन के एक, दो एक तीन परमाणु। ठीक है, अब देखिए परमाणु की संख्या तो समान हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कार्बन आपको मैंने लिखवाया था P=Z=E। ठीक है, P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, Z क्या है? परमाणु क्रमांक, E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो कार्बन में जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, ऑक्सीजन में जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक आप लोग को मालूम होना चाहिए 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 हो जाता है। ठीक, देखिए कार्बन का हो गया आपका 6 प्लस, ऑक्सीजन का आपको पता है 8, 8 यहाँ पर 2 है तो 8 दो ना 16, टोटल 22 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है 7, 7 दो ना 14, ऑक्सीजन के 8, टोटल 22 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या ये सम विन्यासी हैं? CO2 और N2O सम विन्यासी हैं, क्यों? क्योंकि परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान आती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इनसे आता है। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, A=P+N। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक तत्व जिसका A=2 दिया है 32, N=2 दिया है तुम्हारा 15। ठीक है, तो P निकालना है। ठीक है, ए दिया है 32, एन दिया है 15, पी निकालना है। फॉर्मूला में लिखेंगे 32=P+15, पी कितना हो जाएगा? 32 में से 15 घटेगा तो 17। ठीक है, आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। सम न्यूटनिक तत्व ए बी तथा सी के परमाणु भार कम से 31, 32, 33 है तथा बी का परमाणु क्रमांक दिया है 16, तब ए और सी का परमाणु क्रमांक पूछा है। ठीक है, पहले देखते हैं सॉल्व। तीन तत्व पहले लिखेंगे, ए बी सी। भाई साहब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ,
तीन तत्व हैं, पहले तीन तत्व लिखेंगे जिसके बारे में किसके बारे में, तीनों तत्वों में जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी इस क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा। क्या मैंने बोला कि तीनों तत्वों में जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिया होगा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। देखते हैं ए का परमाणु भार कितना दिया है, 31, बी का 32, सी का 33, ठीक है। बी के प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक दिया है, ठीक है, जेड, जेड की वैल्यू कितना दिया है, 16, ठीक है। तब तत्व ए तथा सी का प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। मैंने अभी क्या बोला आपसे, जिस तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी होगी क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। इसके लिए होगा ए इजक्वल टू पी प्लस एन, इसके लिए होगा ए इजक्वल टू पी प्लस एन, इसके लिए होगा ए इजक्वल टू पी प्लस एन, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग से करना है, थोड़ा सा भी गलती होगा पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। ए दिया है 32, पी दिया है 16, एन नहीं दिया, एन कितना हो जाएगा, 16, ठीक। ध्यान से पढ़िए, सम न्यूट्रॉनिक तत्व मतलब तीनों तत्वों के न्यूट्रॉनों की संख्या समान। मैंने क्या किया, जिस तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी उसकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लिया। जब एक न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गया तो क्वेश्चन दिया है सम न्यूट्रॉनिक, कहने का मतलब ए और सी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 16। क्यों, क्योंकि ये तत्व है सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इसके लिए भी 16, इसके लिए भी 16, एन इजक्वल टू बी का निकला है 16, तो सम न्यूट्रॉनिक है, तो मतलब ए में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16, सी में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16। अब आइए, ए के लिए 31, पी नहीं दिया है, एन मिल गया हमको 16, तो कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 31 में से 16 घट गया तो 15, यहाँ पे ए दिया है 33, पी नहीं दिया है, एन हमारा निकल गया है 16, तो पी इजक्वल टू 17, ठीक है। कितना आसान है, सिस्टमैटिक ढंग से। एक ट्रिक बस ध्यान रखना है, जिस तत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी दी होगा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व करना है, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर लिखिएगा। देखें, जो भाई साहब नोट डाउन नहीं किए होंगे बैक जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है। तीन तत्व हैं ए बी तथा सी, ठीक है। जिनके परमाणु क्रमांक दिया है 18, 19, 20। परमाणु क्रमांक तीन तत्व का दे दिया, ठीक है। तत्व सी का परमाणु भार दिया है तुम्हारा 40, सी का परमाणु भार क्या दिया है, सी का परमाणु भार मतलब ए दिया है 40, ठीक है। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, 40 दिया है, तो ए तथा सी का ए निकालिए, ए तथा सी का, ए मतलब परमाणु भार, ठीक है, मैं ऐसे ही शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए मैंने कर दिया। ए तथा सी का आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, एटमिक वेट, ठीक है। आंसर आएगा, कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मैंने क्वेश्चन पूरा बदल दिया है। एक तत्व एम है, कोई भी तत्व है, इसको इससे मतलब ही क्या है यार, कोई भी तत्व दिया हो, बस हमको मतलब है एन से, पी से, पी से या जेड से, जो भी दिया होगा उससे मतलब है। कोई तत्व एम है, एक्स है, बी है, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक तत्व एम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 तथा परमाणु भार कितना दिया है, 14। तो तत्व के क्लोराइड तथा ऑक्साइड के सूत्र लिखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस तत्व के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा पहले उसी को लेंगे। यहाँ पर तो तत्व एक ही है, एक तत्व हो गया एम, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्व, देखिए M के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा परमाणु भार दिया है इसका 14, ठीक है। न्यूट्रॉनों A इजकल टू क्या होता है, P प्लस N, A दिया है 14, P नहीं दिया है, N दिया है 8, P कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, P निकल गया 6, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि P क्या है, परमाणु क्रमांक, Z है, तो जब 6 निकल गया
तो कौन सा तत्व होगा? परमाणु क्रमांक 6 पे कौन कौन सा तत्व होता है? कार्बन आता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये 6 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे वो समझिए। मान लीजिए एक तत्व हो गया M, परमाणु क्रमांक हो गया 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 6 को कैसे लिखेंगे? 2, 4, ठीक है, 2, 4, ठीक है। या इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, ठीक है। यहाँ पे 2p2 होगा यार, 6 ही है ना, तो 2, 4, 6, ठीक है। तो दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2, 4, 2, 4। कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4, ठीक है। संयोजकता क्या होता है? वैलेंसी। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वैलेंसी, ठीक है, चौथे लेसन में जब केमिकल बॉन्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ठीक है। मैं भी क्या चाहता हूँ? मैं अस्थाई हो जाऊँ, मेरे पास सब कोई साधन हो गया, ठीक है। आप लोग भी क्या चाहते हैं? कि मैं भी अस्थाई हो जाऊँ, ठीक है। तो तत्व भी क्या चाहते हैं? अस्थाई होना। अस्थाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इनके पास क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको नहीं गिनना है, बाह्य कोश में, बाहरी वाले आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो 8 में से कितने कम है? 4, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 2, 8 होता है, तो 2, 6। बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना चाहिए इसको? 2, तभी तो 8 होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। जैसे सोडियम है, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1। बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो अपना अष्टक पूरा हो जाएगा। तो जब ये बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, या तो 8 में से घटाइए, ठीक है, या उसका बाह्य कोश देखिए, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के कितना होता है? 17 होता है, इसको क्या लिखेंगे? 2, 8, 7। क्लोरीन का 17 होता है, इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना चाहिए? 8। एक कम है तो इसकी संयोजकता 1, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पाते हैं। देखिए, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ें, तत्व के क्लोराइड तथा ऑक्साइड के सूत्र। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले एक तत्व है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। क्लोराइड Cl, Cl की संयोजकता कितनी होती है? 1। बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए, तो एक कम, 1, ठीक है। कोई भी कंपाउंड बनता है ऐसे गुणा होता, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? M1Cl4, कहने का मतलब MCl4, ठीक है। तो तत्व के क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग का बन गया, ठीक है। अब किसका फॉर्मूला बनाएंगे? ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ साइड में बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। कौन सा तत्व था? M, M की संयोजकता 4। ऑक्साइड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, 6। बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना चाहिए? 8। 2 कम है तो इसकी संयोजकता 2। कोई भी कंपाउंड बनेगा तो तिरछा गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? M2O4, इसके ऑक्साइड की फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा टोटल कवर, ठीक है। तो ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन दिया था आप उसका आंसर जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो थैंक यू।